بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم। आज मैं बयान करूंगा नमाज तहज्जुद के बारे में इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। नमाज तहज्जुद सुन्नत मोहकिदा है। सोने के बाद बेदार होकर या फजर से पहले नमाज तहज्जुद अदा की जाएगी। अल्लाह ताला ने तहज्जुद गुजारों की तारीफ की है। सूरह अल सजदा में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो उम्मीद व बहम के आलम में अपने रब की इबादत करते हैं और जो माल हमने उनको अता किया है उनमें से खर्च करते हैं। और सूरह अल जारियात में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक परहेजगार लोग बहशतों और चश्मों में ऐश कर रहे होंगे और जो नेमतें उनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उनको वो ले रहे होंगे। बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और औकाते सहरी में अस्तगफार करते थे। हदीस में अब्दुस सलाम बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि पहली बात जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, सलाम आम करो, खाना खिलाओ, सिलह रहमी करो और रात में नमाज पढ़ो जबकि तमाम लोग ख्वाब गफलत में हों, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। इसको हाकिम इब्न माजा और तिर्मिजी ने रिवायत किया और कहा यह हदीस हुस्न सही है। अबू मालिक अशहरी रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जन्नत में कुछ ऐसे कमरे हैं जिनके बैरूनी हिस्से से अंदरूनी हिस्से को देखा जा सकता है और अंदर से बाहर का मंजर देखा जा सकता है। अल्लाह ताला ने ये कमरे उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और रात में नमाज तहज्जुद अदा करते हैं इस हाल में कि लोग सोते रहते हैं। इसको इब्ने हब्बान ने अपनी सहिया में रिवायत किया है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि रात में एक ऐसी सात होती है जिसके मुताबिक कोई मुसलमान शख्स दुनिया या आखिरत की भलाई के लिए जब सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसको ये चीज़ अता करता है। ये सात तमाम रातों में पाई जाती हैं। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। बहरहाल रात की नमाज हल्की दो रकात से शुरू करें, फिर इसके बाद जितनी रकातें चाहें पढ़ें। चुनाचा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो पहले दो रकात हल्की पढ़ते। ये है कि अपने ऊपर मुशक्कत ना करें बल्कि अपनी इस्तताअत के मुताबिक वो रात में क़याम करे और उस पर मदावमत करे, कभी तर्क ना करे मगर ये कि कोई ज़रूरत लायक हो जाए। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ताकत व इस्तताअत के मुताबिक अमल करो, अल्लाह ताला अजर अता करने से नहीं घबराता यहाँ तक कि तुम लोग कबीदा कातिर हो जाओ। इसको बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है। तहज्जुद का वक्त नमाज तहज्जुद इशा की नमाज के बाद रात के अव्वल औसत या आखिरी में से जिस वक्त पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, बशर्त ये कि तहज्जुद का वक्त बाकी रहे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की सफ्त के बारे में रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बराबर रात में नमाज पढ़ते हुए देखते और कभी रात में बराबर सोते हुए देखते।
आप महीना में रोजा रखते थे, यहाँ तक कि हमें गुमान होता कि आप इस महीने के किसी दिन भी रोजा नहीं छोड़ेंगे, और कभी आप बराबर अफ्तार करते, यहाँ तक कि हमें गुमान होता कि आप इस महीने के किसी दिन में रोजा नहीं रखेंगे। इसको इमाम हेमत, इमाम बुखारी और नसाई ने रिवायत किया है। तहज्जुद का अफजल वक्त रात का तहाई हिस्सा गुजर जाने पर होता है। चुनाचा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात पहले आसमान पर नाजिल होता है, जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो निदाह देता है कि कौन है मुझसे दुआ करे कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे किसी चीज़ का सवाल करे कि मैं इसको वो चीज़ अता करूं, और कौन शख्स मुझसे इस्तग़फ़ार करता है कि मैं उसके तमाम गुनाह बख्श दूं। इसको मुहद्दिसीन की एक जमात ने रिवायत किया है। तहज्जुद की तादाद, नमाज़े तहज्जुद की कोई मखसूस तादाद नहीं और ना इसकी कोई मुतय्यन हद है। ये नमाज अदा हो जाती है अगरचा मुसल्ले नमाज़े इशा के बाद सिर्फ़ एक रकात वितर अदा करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने नमाज़े तहज्जुद का जिक्र किया तो बाज़ सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़े तहज्जुद निस्फ शब रात के तहाई या चौथाई हिस्से में अदा की जाए, इतनी देर में जितनी देर में ऊँटनी या बकरी का दूध धोने वाला थन से अपना हाथ उठा लें।